नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी साथी? एक बार सभी प्यारे दोस्त, लर्निंग डे परिवार के हमारे सभी साथी बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार तरीके से आज की इस बहुत अच्छी सी क्लास, बहुत प्यारी सी क्लास में जुड़ जाएंगे और सभी साथी मिलकर के आज की इस क्लास बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ाने वाले हैं। और आज की इस क्लास में पॉलिटेक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जो हम लोगों की डेली शाम को 7 बजे क्लास चलती है, उस क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना भाई, आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। साथियों, आज की इस क्लास में प्रारंभ सीरीज का क्लास नंबर 7 हम आपके सामने लेकर के हाजिर हैं। इसमें हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं और आपके जो भी क्वेश्चन हैं जो कल हम लोगों ने होमवर्क डिस्कस किया था, उस होमवर्क के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस क्लास को स्टार्ट करें कुछ 2 लाइन मोटिवेशन की, उसके बाद आप लोगों के कमेंट के साथ बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। मेरे प्यारे दोस्तों, लर्निंग डे के जा बात शेरों, आपको क्या करना है, आपको शानदार तरीके से अपनी तरफ से तैयारी करते रहना है। और अगर आप अपनी तरफ से 100% ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज आपकी मुट्ठी में जरूर होगा। 6 अप्रैल शाम को 6 बजे इस झारखंड स्पेशल यूपी बिहार पॉलिटेक्निक 2024 के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की 6 घंटे की महामैराथन की क्लास में शाम 3:30 बजे से सभी साथी जरूर जुड़ेंगे। आ जाइए दोस्तों, आज के इस क्लास को पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन वही होगा जो क्वेश्चन कल हम लोगों ने होमवर्क के लिए डिस्कस किया था। उसके पहले हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कल जितने भी होमवर्क मैंने दिए थे उन सारे के सारे क्वेश्चन से हम लोग बात करने वाले हैं। अंजुल, देव, निखिल, अमन, श्रेया, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, सभी साथियों का बहुत बहुत वेलकम है। सर, मेरे को एक बात क्लियर ना हो रहा है। श्रेया बताओ क्या बात नहीं क्लियर हो रही है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन मैंने कल करवाया था लेकिन मैं जहां पे एंड करता हूं क्लास को वहीं से नेक्स्ट डे स्टार्ट करता हूं। इस क्वेश्चन में कह रहा कि एक टावर के पास से 70 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु के टावर के शीर्ष से जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है, तब पूछ रहा टावर की ऊंचाई क्या होने वाली है। श्रुति, गुड इवनिंग। सभी साथियों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग और आप मॉर्निंग भी बोल सकते हैं क्योंकि जब जागो तभी सवेरा, ठीक है जी। अमन का आंसर आ रहा ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया। एक चीज दोस्तों यहां पर ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि सर अवनमन कोण क्या है और सर उन्नयन कोण क्या है। पल्लव, गुड इवनिंग। सौरभ, गुड इवनिंग। दोस्तों, बहुत ध्यान से, बहुत तसल्ली से, बिल्कुल शानदार तरीके से समझना कि डिफरेंस क्या होता है अवनमन कोण और उन्नयन कोण में। मैं कौन कौन से कोण में बता रहा हूं डिफरेंस, अवनमन कोण क्या होता है और उन्नयन कोण क्या होता है। अगर यह दोनों मिलते हैं तो उस स्थिति में किस कोण को सबसे ज्यादा आपको प्रेफर करना है, तो दोस्तों सबसे ज्यादा आपके लिए वैल्यूएबल होता है उन्नयन कोण। कैसे? अगर यहां पर कुछ इस तरीके की आकृति बनती है और आप नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो यह स्थिति कौन सी स्थिति बनेगी? आप बोलोगे सर यह स्थिति अवनमन की स्थिति बनेगी। अवनमन की स्थिति का मतलब ही हो जाता है कि हम अवनत हो रहे हैं, मतलब हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं। उन्नयन कोण क्या होता है? जिस कोण में हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे दोस्तों वह क्या हो जाता है? आपका उन्नयन कोण हो जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि आपका अवनमन कोण इज इक्वल टू उन्नयन कोण के बराबर होता है। सर ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि जो आपका अवनमन कोण होता है वो उन्नयन कोण के बराबर क्यों होता है, तो कुछ इस तरीके से अगर स्थिति बनेगी, अगर इसका अवनमन कोण यहां पर मैंने थीटा दे दिया तो बताना इस कोण का मान भी थीटा होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल इस कोण का भी मान थीटा होगा। मैं पूछूंगा क्यों थीटा होगा? अगर मैंने इसको ए बी मान लिया, इसको सी डी मान लिया, तब आप कहोगे सर ए बी पैरेलल होगा किसके, ए बी समानांतर होगा किसके, सी डी के, और जो कोण ये वाला बन रहा, जो कोण बी बन रहा, ये कोण सी के बराबर होगा और यह दोनों एकांतर कोण हैं और एकांतर कोण होने के नाते जो आपका अवनमन कोण होता है वह उन्नयन कोण के बराबर होगा। अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो फिर से मैं वापस क्वेश्चन की तरफ आता हूं। क्वेश्चन कह रहा अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो मतलब हम यह भी तो समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण भी आपका कितना दिया गया है। आप कहोगे सर उन्नयन कोण भी हमें 45 डिग्री दिया गया है। श्रुति लिख रही सर कल की क्लास
पूरा अटेंड नहीं कर पाई थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं श्रुति, आज अटेंड करो। ठीक है जी, उन्नयन कोण की वैल्यू 45 डिग्री मिल गई। अब जो क्वेश्चन में आपको कह रहा, क्वेश्चन कह रहा कि एक टावर बना दीजिए, इस टावर के पास से 70 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, मैंने टावर को मान लिया ए बी और टावर के पाद बी से मैंने एक बिंदु मान लिया, वह बिंदु है आपका सी। कह रहा कि सी से जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है। अब मैं कुछ इस तरीके से फिगर बना सकता हूँ और इसकी वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। बोलना क्लियर हुआ क्या? हेलो सर, मेरे यहाँ क्लास नहीं चल रही है। तो भाई क्रिस, आप एक बार फिर से डाटा अपना रिफ्रेश कर दो, डाटा ऑन ऑफ करके ऑन कर दो, हो सकता है क्लास आपकी चल जाए। ठीक है जी, अंजुल पांडे की तरफ से आंसर एक आ रहा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आ रहा, और अमर चौरसिया की तरफ से ऑप्शन 70 आ रहा। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगाना है, अब यहाँ पर आपको टेन थीटा लगाना है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है, आप कहोगे सर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, और टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू, अगर मैंने जो टावर है टावर की ऊंचाई को यच माना है तो यच अपान 70 हो जाएगा, और टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, आप बोलोगे सर टेन 45 डिग्री की वैल्यू एक हो जाएगी। जब मैं इस एक की स्थिति को इसके साथ कंपेयर कर दूंगा तो 70 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा और यच का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, तो यच इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, 70, और यूनिट क्या होगी आपकी मीटर, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आप बोलोगे सर आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जो टावर की ऊंचाई होने वाली है वह टावर की ऊंचाई ऑप्शन नंबर ए हो जाने वाली है। सर पॉलिटेक्निक में बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें होम साइंस, टेक्सटाइल, डिज़ाइन फैशन, डिज़ाइन पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ये सब, तो जब एग्ज़ाम देंगे तो कैसे होगा। श्रेया सबसे पहले बात समझना, सबसे पहले अभी आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ अभी आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम पर फोकस करना है। इंट्रेंस एग्जाम के बाद ये सारी चीज़ें चालू होती हैं। जब इंट्रेंस एग्जाम आपका कंप्लीट हो जाता है, इंट्रेंस एग्जाम में आपको अच्छा नंबर मिल जाता है, उसके बाद श्रेया ये सारी स्थितियां चालू होती हैं, फिर आपको ब्रांच कौन सी लेनी है तब हम इसकी बात करते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन इस पर होना चाहिए कि अच्छे नंबर से हम गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अच्छा नंबर इंट्रेंस एग्जाम में लाएंगे। नयन, गुड इवनिंग सर जी, यू आर टीचिंग इन लैपटॉप। नहीं भैया, अभी तो मैं फ़ोन में ही पढ़ा रहा हूँ, 2 से 3 दिनों में अभी लैपटॉप से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों यह क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 43, और ध्यान देना यह आपका कल का होमवर्क का क्वेश्चन था। कुछ बच्चों के इस क्वेश्चन के आंसर हमारे पास आए थे, जिनमें एक अमर था और एक लड़के का नाम क्या है, अमर अमन, दो लड़कों के नाम मुझे क्लियर याद आ रहे, बाकी इस पर मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाया। फिनिशर हेलो हिंदी में होती है, बिल्कुल सर आपने ये क्वेश्चन कल पूछा था, बिल्कुल। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान देना सर, फिर ये सब के लिए क्या सिलेबस होता है, जो सिलेबस मैं पढ़ा रहा हूँ श्रेया यही होता है सिलेबस आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका क्या है, कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। अब देखना इसमें सबसे पहले क्या कह रहा, कह रहा रेखाएं A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 है, और दूसरी रेखा कह रहा A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 है, और कह रहा ये रेखाएं एक दूसरे के लंब हैं। क्या कह रहा, ये रेखाएं एक दूसरे के अगर लंब हैं तो दोस्तों लंब की स्थिति में जो M1 होता है, M1 और M2 का जो मल्टीप्लाई होता है वह किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। क्लियर हुआ क्या, M1 इंटू M2 इज इक्वल टू कितना होता है, -1 होता है। श्रेया पूछ रही सब्जेक्ट, तो श्रेया मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, डूलर कुमार हेलो गुड इवनिंग सर, अब टेस्ट कब होगा भाई साहब, 6 तारीख को जरूर क्लास में जुड़ो। दोस्तों लंब की स्थिति क्या होती है, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर लंब हैं, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तब उस पे एंगल की वैल्यू क्या होती है, M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 होती है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं तब उसकी स्थिति क्या होती है, तो आप बोलोगे सर उस स्थिति में जो एंगल होता है M1 वह M1 इज इक्वल टू M2 के बराबर होती है। M1 क्या यहाँ पर होता है दोस्तों, M1 को हम यहाँ पर प्रवणता बोलते हैं, या फिर M1 को हम यहाँ पर ढाल बोल सकते हैं। आप M1 को चाहे प्रवणता बोलिए या फिर ढाल बोलिए, दोनों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होती है। M1 इंटू M2 लंब की कंडीशन होती है, और इस क्वेश्चन में कह रहा कि दोनों रेखाएँ एक दूसरे के क्या हैं, लंब हैं। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंब हैं तो सबसे पहले इस पहले वाले रेखा से आपको M1 की वैल्यू निकाल लेनी है, और इस दूसरे वाले रेखा से M2 की वैल्यू निकाल लेनी है। कैसे पहले वाली रेखा से M1 की वैल्यू निकालोगे, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, बहुत यूजफुल है। क्या है समीकरण, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। युवराज ब्लॉग गुड इवनिंग, हेमंत
हेमंत भाई मेरे से हेलो बोल लो और क्वेश्चन पर कंसंट्रेट कर लो, पढ़ाई पर। ठीक है दोस्तों, जब यहाँ पर आप ध्यान दोगे a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 है, जब यहाँ से मैं इसकी प्रवणता, इसकी ढाल निकालने जाऊँगा तो मुझे y is equal to mx plus c के रूप में कन्वर्ट करना होगा, और y is equal to mx plus c के रूप में अगर मैंने कन्वर्ट कर दिया तो जो m की वैल्यू होती है वही m आपका हो जाएगा एग्जैक्ट m1 का मान। सुपर वीडियो, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया सुपर वीडियो, वेरी गुड दोस्त। अब ध्यान से देखना दोस्तों, मैं इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में अगर कन्वर्ट करूंगा तो b1y इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, माइनस a1x और फिर माइनस का c1। जब मैं यहां से y की वैल्यू निकालूंगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का a1 अपान b1 x माइनस का c1, और जब मैं इस वैल्यू के साथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूंगा तो मुझे m1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी। आप बोलोगे सर यहां से m1 की वैल्यू मिल जाएगी माइनस a1 अपान b1। इस m1 की वैल्यू को आपको यहां से कंसीडर करना है, इस m1 की वैल्यू को यहां से आपको लेना है, और जो दूसरा समीकरण है, जो दूसरी रेखा है, उस दूसरी रेखा से आपको m2 की वैल्यू ज्ञात कर लेना है। बोलना एक बार m1 की वैल्यू क्लियर हुई क्या, कंग्रेचुलेशन। बोल रहा हमारा प्यारा भाई अभिनव पांडे, थैंक यू मेरे प्यारे दोस्त, थैंक यू भाई। ठीक है जी, m1 की वैल्यू क्या मिल गई, मैं यहां पर लिख देता हूं, m1 इज इक्वल टू मुझे मिल गया a1 अपान माइनस a1 अपान b1। बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों जो दूसरा वाला समीकरण है a2x plus b2y plus c2 इज इक्वल टू 0 से अगर मैं y इज इक्वल टू निकालूंगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस a2 अपान b2 माइनस इसके साथ x भी होगा माइनस a2 अपान b2x फिर माइनस c2 अपान b2। फिर से मैं इसका कंपेयर करूंगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, जब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूंगा तो जो मुझे यहां से m की वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी आपकी m2 की वैल्यू, और m2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस a2 अपान b2। क्लियर हुआ क्या, m1 और m2 की वैल्यू दोस्तों मैंने कैसे निकाली, यहां तक आपको कहानी कुछ समझ आई, कहानी आपको क्लियर हुई या नहीं हुई कि m1 और m2 की वैल्यू कहां से किस तरीके से प्राप्त हुई है। डूलर, अमर, इन दोनों साथियों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, और सुपर वीडियो ने भी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया है, बहुत बढ़िया दोस्तों। इस m1 और m2 की वैल्यू को अब मैं जो स्थिति होती है परपेंडिकुलर की उस स्थिति पे रख दूंगा, तो आप कहोगे सर परपेंडिकुलर की स्थिति आपकी होती है m1 into m2 is equal to minus 1। अब जब आपको ये सारी चीजें पता हैं, m1 की वैल्यू आपको पता है माइनस a1 अपान b1 इंटू m2 की वैल्यू पता है आपको माइनस a2 अपान b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। बस इसी समीकरण को आपको सॉल्व कर लेना है, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा यहीं से सॉल्व। नयन की तरफ से ऑप्शन बी आ रहा, और देव यादव की तरफ से भी भाई इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। बिल्कुल ध्यान से देखना, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा, प्लस हो जाएगा, और यहां से आपको मिल जाएगा a1 b1 अपान a1 a2, क्या मिल जाएगा आपको a1 a2 अपान b1 b2 इज इक्वल टू माइनस 1। जब मैं माइनस 1 का मल्टीप्लाई इस माइनस b1 b2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करूंगा, मुझे प्राप्त हो जाएगा a1 a2 इज इक्वल टू माइनस का b1 b2, और जब मैं इसको माइनस b1 b2 को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगा, मुझे प्राप्त हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। और ये कहां पर है आप कहोगे सर, ये ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलना ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ध्यान देना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया कि रेखाएं a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 तथा रेखाएं a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 एक दूसरे के ऊपर लंब हैं, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया सुपर वीडियो अमर चौरसिया। हमारे साथ मनीष जुड़ गया है, मनीष स्वागत है भाई, मनीष काफी दिनों के बाद आज क्लास में जुड़ा है। अब दोस्तों हमें ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट मिल गया। अब दोस्तों एक चीज फिर से ध्यान देना, अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं और मैंने वैल्यू सेम रहने दी, मैं कहता हूं कि रेखाएं a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 और a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 परस्पर समानांतर हैं, तब स्थिति क्या होगी, तब आप सभी साथी आंसर बताएंगे। अगर दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर हैं तब करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर समानांतर हैं तो ऑप्शन ए। अच्छा जी, इतना जल्दी कर लिए अंजुल भैया आप, बहुत बढ़िया। अच्छा दोस्तों, अंजुल जो है ये हमारे घर का बच्चा है, बहुत अच्छा लड़का है बेचारा, पढ़ता बहुत मेहनत से है, बस फोन चलाता रहता है बस आपको। अच्छा जी, चलो जी, बहुत बढ़िया सुपर वीडियो अंजुल। दो ही लड़कों ने आंसर दिया है,
अच्छा अमर चौरसिया, नहीं अमर गलत है भाई तुम्हारा। अच्छा अमर का भी आंसर सही है, ठीक है भाई अमर बहुत बढ़िया। अमन, अमर, सुपर वीडियो, अंजुल पांडे, चार साथियों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। समानांतर की स्थिति में दोस्तों, समानांतर की स्थिति में मैंने आपको बताया था यमोन इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका यम टू, और यमोन की वैल्यू क्या है आप बोलोगे सर यमोन की वैल्यू मैंने निकाला था माइनस ए वन अपान बी वन इज इक्वल टू यम टू की वैल्यू क्या थी माइनस ए टू अपान बी टू। यहाँ से माइनस कैंसिल किया जा सकता है, ए वन का मल्टीप्लाई बी टू में और ए टू का मल्टीप्लाई बी वन में, यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा ए वन बी टू इज इक्वल टू ए टू बी वन। एक तो आंसर आपका ये हो सकता है, दूसरा आंसर आपका हो सकता है ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू इज इक्वल टू जीरो। इसमें मैंने इस वैल्यू को बराबर के अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। आप बोलोगे सर इस स्थिति में अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं तब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ क्या, एक बार थम्स अप करना अगर आपको लंब की स्थिति और समानांतर दोनों की स्थिति अगर आपको दोस्तों क्लियर रूप से समझ आ गई हो तो एक बार सभी के सभी साथी, सभी के सभी दोस्त थम्स अप करके बताएंगे कि भैया आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। अमर चौरसिया, अंजुल पांडे, सुपर वीडियो, बहुत बढ़िया। दोस्तों ध्यान रखना, फिर से मैं कह रहा हूँ, समानांतर की स्थिति और लंबवत की स्थिति ये आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और यहाँ से आते हैं क्वेश्चन आपके। पल्लो बहुत बढ़िया पढ़ाई के लिए, ठीक है जी अंजुल बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है जी क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें क्या, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें क्या दोस्तों। चलो प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है। अमन लड़का जो जुड़ा है इसने इस क्वेश्चन को कहा था कि सर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व मेरे से नहीं हो पाया है। देव यादव, दुलर कुमार, बहुत बढ़िया दोस्तों, वेल्डन साथियों। अब मुझे बताना यह क्वेश्चन क्या क्लियर हो पाएगा क्या। सुपर वीडियो, इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर दे रहे सुपर वीडियो ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर सभी के सभी साथी बताएंगे और मुझे भी नहीं। अच्छा जी कोई बात नहीं अमर, कोई बात नहीं अमर, मैं बैठा हूं ना आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए। दोस्तों एक चीज समझ लेना, जब तक आपका भाई सौरभ ओझा आपके साथ है तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर उस क्वेश्चन को हम तितली बनाएंगे, हर उस क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करेंगे जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आने वाला है। बहुत ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या कह रहा। एक व्यक्ति 280 कुर्सियों को बेचकर 35 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। फिर से अगर क्वेश्चन ध्यान से देखो, फिर से अगर क्वेश्चन समझो तो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 280 कुर्सियों को बेचता है। कुर्सियां कितनी बेचता है, 280 कुर्सियां बेचता है। अगर मैंने मान लिया कि एक चेयर का मूल्य कितना है, तो अगर मैंने मान लिया एज ए एग्जाम्पल कि एक चेयर का मूल्य 1 रुपए है, तब उसने कितने रुपए की कुर्सियां बेची, 280 रुपए, ठीक है 280 कुर्सियां उसने बेची हैं। प्रॉफिट कितने कुर्सियों का हो रहा है, प्रॉफिट आपको हो रहा है 35 कुर्सियों का, और कह रहा 35 कुर्सियां बेचने के बाद उसको 280 कुर्सियां बेचने के बाद उसको 35 कुर्सियों का प्रॉफिट हो रहा है, तब यहां से जो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बनेगा, बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर मुझे प्रॉफिट 35 कुर्सियों का हो रहा है और मैंने ओवरऑल 280 कुर्सियां बेची हैं तो मेरा सीपी क्या होगा, मेरा सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 280 माइनस 35। सर 280 माइनस 35 कैसे होगा, एक बार फिर से ध्यान से तसल्ली से सुनना और समझना इस कॉन्सेप्ट को कि सीपी इज इक्वल टू 280 माइनस 35 कैसे हुआ, कहां से हुआ। भाई मैंने कहा कि मैंने आपको 10 पेन दे दिया, आपने 10 पेन बेचा, 10 पेन बेचने के बाद आपको 2 पेन का प्रॉफिट होता है। आपने 10 पेन बेच दिया, 10 पेन बेचने के बाद आपको 2 पेन के बराबर प्रॉफिट होता है, मतलब आपने कितने रुपए में 10 पेन खरीदी थी। आप कहोगे सर मैंने 8 पेन की कीमत के बराबर मैंने 10 पेन खरीदी थी, जितने में मैंने 8 पेन बेचा है उतने में ही मैंने 10 पेन खरीदा था, तभी तो मुझे 2 पेन का प्रॉफिट हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही अगर 35 कुर्सियों का प्रॉफिट हो रहा है तो उस व्यक्ति ने टोटल जो 280 कुर्सियां हैं उसको 280 माइनस 35 कुर्सियों के रेट के बराबर उसने खरीदा होगा। जब 280 में से 35 आप घटाओगे आपको मिल जाएगा 245, आपको सीपी मिल गया 245, आपको प्रॉफिट मिल गया 35। अब यहां से आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं और यहां पर दोस्तों अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करता हूं तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू आपका होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। बोलना क्लियर हुआ क्या, बोलना क्लियर हुआ क्या।
नेहा का ऑप्शन नंबर बी आ रहा, सुपर वीडियो की तरफ से ऑप्शन नंबर बी आ रहा, बहुत बढ़िया। डूलर कुमार की तरफ से ऑप्शन नंबर बी, निखिल भैया की तरफ से ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी गुड। नयन मेहता की तरफ से ऑप्शन नंबर बी आ रहा। सुपर वीडियो आप अपना एक बार प्यारा सा नाम बताना दोस्त, मैं आपका नाम शायद मिस कर रहा हूं। तो दोस्तों यहां से प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रॉफिट आपको कितनी कुर्सियों का हुआ है। आप बोलोगे सर मुझे 35 कुर्सियों का प्रॉफिट हुआ है और मेरा सीपी कितना था, 245 था, इंटू 100 हो जाएगा। बस इसी समीकरण को सॉल्व कर लेना है और जब दोस्तों मैं 35 में 100 से मल्टीप्लाई करके 245 से डिवाइड करूंगा तो मुझे जो परसेंटेज मिल जाएगा लगभग 14.28% मिल जाएगा। और 14.28% कहां पर है आप बोलोगे सर, यह 14.28% मुझे ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलना क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? प्रॉफिट कितने का था, 35 का था और जो सीपी मुझे मिला था 280 माइनस 35 245 का मिल गया था। मैंने फार्मूले पे रख दिया वैल्यू और मेरा यह क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से सॉल्व हो गया। कमलेश कुमार अब बताना भाई, ए के चौरसिया, अमन, दोनों को ये क्वेश्चन नहीं आया था, दोनों बताना क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या, क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ गए दोस्तों, प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आ गया हूं और ध्यान रखना इसके जस्ट पहले मैंने जो क्वेश्चन करवाया है इस क्वेश्चन के बाद उसी पर आधारित मैं आपको एक प्रश्न देने वाला हूं और अगर जो बच्चे ने उस प्रश्न को नहीं किया उसके घर में आकर के उसको थप्पड़ लगा के वापस आने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 15 है। क्या कह रहा है फिर से ध्यान से सुनना कि 12 संख्याओं का जो एवरेज वैल्यू है, 12 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 15 है। और कह रहा है यदि एक संख्या 41 को इसमें शामिल कर दिया जाता है तो इन 13 संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों आपके पास अगले 40 सेकंड हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 40 सेकंड से ज़्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका टाइम नहीं लगना चाहिए। बहुत आसान है, बहुत अच्छा सा, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। अमर चौरसिया की तरफ से इसका आंसर आ रहा ऑप्शन नंबर डी 17 आ रहा और बाकी के सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बहुत बढ़िया। अमन की तरफ से और अमर की तरफ से दोनों डबल ए की तरफ से इसका आंसर आ रहा 17। चलो जी ध्यान से देखना क्या कह रहा, 12 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। एक बात यहां पर मुझे बताना, अगर आपको एवरेज इज इक्वल टू सूत्र क्या होता है तो आप कहोगे सम ऑफ टोटल टर्म अपॉन नंबर ऑफ टोटल टर्म। यहां से अगर मैं सम ऑफ टोटल टर्म की वैल्यू पूछूंगा तो आप कहोगे सम ऑफ टोटल टर्म मतलब पदों के कुल संख्याओं का जो योग होगा वह बराबर होगा एवरेज के, और एवरेज गुणे जितने पद हैं उनके गुणनफल के बराबर होगा। गुलशन यादव ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया गुलशन, वेरी गुड भाई। नयन मेहता की तरफ से ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सुपर वीडियो की तरफ से ऑप्शन नंबर 17 आ रहा, मतलब ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी गुड। दोस्तों अगर आप कुल पदों का योग ज्ञात करेंगे तो एवरेज गुणे पदों की संख्या हो जाएगी, और अगर 12 संख्याओं का औसत 15 है तो 12 संख्याओं का जो योग होगा, जो सम होगा वो किसके बराबर होगा। आप कहोगे सर 12 संख्याओं का जो सम होगा वह 12 गुणे 15 के बराबर होगा। बोलना कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी क्या। मनीष, नेहा, पल्लव, अंजुल सभी साथियों ने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया है, बहुत बढ़िया। 12 में जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 12 पदों का जो योग आएगा वह आपका 180 हो जाएगा। अब कह रहा इस संख्या में 41 और ऐड कर दिया जाता है, जब आप इसमें 41 और ऐड कर देंगे तो ये टोटल कितना बन जाएगा। 0 में आप 1 ऐड करेंगे 1, 8 में आप 4 ऐड करेंगे 12, 12 के 2 कैरी 1, 1, 1, 2। जब हमने 180 में 40 ऐड कर दिया तो मुझे कुल पदों का जो योग मिल गया वो 221 प्राप्त हो गया। अब कुल पदों का योग 221 है, अब कह रहा कि कितने पद हो गए हैं, 13 पद हो गए हैं, तो एवरेज क्या होगा, तो एवरेज इज इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा कुल पदों का योग 221 हो रहा था, 221 डिवाइडेड बाई कुल पदों की संख्या कितनी कह रहा है, तो आप कहोगे सर कुल पदों की संख्या मुझे 13 कह रहा है, 221 में 13 से आपको डिवाइड कर देना है, आपका क्वेश्चन देखना ही परेशान सॉल्व हो जाएगा। जब आप 13 से 221 में डिवाइड करोगे तो 13 का 13 कितना आपका यहां पर बचेगा, 8, 9, 3, 12, 91 बच जाएगा, और 13 सते 91 आपको प्राप्त क्या हो जाएगा, 17, और 17 कहां पर दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर 17 हमें ऑप्शन नंबर डी पर मिल रहा है और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
सर जी किसी दिन इंग्लिश में क्लास लगाइए। अच्छा जी ठीक है भैया, तुम मार खाओगे, तुम पढ़ लो अंजुल सही से, ठीक है ना। क्लियर आंसर, क्लियर हुआ क्या दोस्तों, बताना एक बार क्लियर हो गया क्या कि 17 कैसे आएगा। अब मैं अगर इसी पर आधारित आपको एक क्वेश्चन देता हूं और मैं कहता हूं कि भाई साहब कितना 10 संख्याओं का, मैं क्वेश्चन पूरा लिख देता हूं कि 10 संख्याओं का जो एवरेज है, मैंने कहा कि 10 संख्याओं का एवरेज आपका दोस्तों 17 दिया गया है, 10 संख्याओं का एवरेज आपको 17 दिया गया है और प्रत्येक संख्या में 10 संख्याओं का एवरेज 17 दिया गया है और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है तब आपका एवरेज क्या होगा, जोड़ दिया जाए तो आपको एवरेज बताना है कि नया वाला औसत वैल्यू आपकी क्या होने वाली है। अनुज ब्रो हमारे साथ जुड़ा है, तो भैया अनुज बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है आपका आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। हम भी आ गए तो भैया आप भी आ गए तो आपका स्वागत है। दोस्तों मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, मैंने कहा कि 10 संख्याओं का अगर आपको एवरेज मतलब औसत 17 दिया गया है और फिर आगे कहता है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है तब आपका नया औसत क्या होगा, आपकी नई औसत वैल्यू क्या होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यह क्वेश्चन भी आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, बस न्यूमेरिकल वैल्यू जहां पर मैंने 10 कहा था वहां पर कुछ और वैल्यू थी, 17 की जगह पर कुछ और वैल्यू थी, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है। कैसे करोगे भैया, क्या होगा इसकी कहानी, कैसे सॉल्व होगा ये। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में जहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं और जहां पर आपको ऐसी कोई भी एक वैल्यू मिलती है वहां पर जो नया एवरेज होता है, अगर पदों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अगर नंबर जो पदों की कुल संख्या 10 है, अगर ये 10 की 10 रहेगी तो जो हमारा नया औसत वैल्यू आएगा वह 17+3 के बराबर हो जाएगा और 17 और 3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हमारा नया एवरेज कितना मिल जाएगा, हमें 20 मिल जाएगा। गुलशन 51 लिख रहे हैं, तो भैया 17 × 3 नहीं होगा गुलशन, 17+3 होगा। ध्यान से सुनना, अगर इस 10 को कम कर दिया जाता, अगर इस 10 को कम कर दिया जाता तब फिर यह कंडीशन नहीं लगती, फिर कंडीशन चेंज हो जाती। फिर कौन सी कंडीशन लगती, फिर दूसरा रूल लगता और दूसरा तरीका उसमें लगाया जाता। बट अगर पदों की संख्या सेम टू सेम है, पदों की संख्या 10 की 10 है, तब जो आपका एवरेज आएगा वो पहले का एवरेज प्लस जितनी वैल्यू जोड़ी गई है उस वैल्यू को आप ऐड करके टोटल जो नंबर आपको प्राप्त हो गया उसी को आप निकाल लो, 20 आपको प्राप्त हो जाएगा। AK चौरसिया, देव दुलर, बहुत बढ़िया, अंजुल सुपर वीडियो, वेरी गुड। अब दोस्तों एक चीज आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये 20 आएगा कैसे। तो मेरे दोस्तों अभी तक जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था बिल्कुल वहीं से समझना। पहली वाली लाइन कह रहा कि 10 संख्याओं का एवरेज आपको 17 है, तो 10 संख्याओं का सम क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 10 संख्याओं का सम हो जाएगा एवरेज गुणे पदों की संख्या, एवरेज है आपका 17, पदों की संख्या है आपका 10, 10 संख्याओं का जो योग है हो जाएगा आपका कितना, 170। 10 संख्याओं का योग 170 हो जाएगा और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जा रहा है, संख्याएं टोटल कितनी है 10 और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाएगा, मतलब ओवरऑल कितना जोड़ा जा रहा है, आप कहोगे सर ओवरऑल 30 जोड़ा जा रहा है। पहले कुल आपको योग मिला था 170, 30 और हम उसमें जोड़ रहे, मतलब टोटल 10 पदों का जो योग आ जाएगा, टोटल 10 पदों का योग आप कहोगे सर मुझे 200 प्राप्त हो जाएगा। मैंने आपसे नया एवरेज पूछा है, तो नया एवरेज इज इक्वल टू कुल पदों का योग, कुल पदों का योग 200 है और कुल पदों की संख्या, तो कुल पदों की संख्या 10 की 10 है, 200 में 10 से डिवाइड कर दो, आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। बस इसी 20 को चाहे आप इस तरीके से करिए या फिर अगर पदों की संख्या सेम है, अगर यहाँ पर 10 का 10 है, पदों की संख्या में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जो पहले का एवरेज वैल्यू है और जो वैल्यू उसमें जोड़ी जा रही है दोनों को आप ऐड करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे उस क्वेश्चन में हमने 17+3 करके 20 आंसर निकाल दिया, हमारा 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर हुआ क्या भाई, एक बार थम्स अप करके बताना मुझे दोस्तों कि यहाँ तक की कहानी, सर यहाँ तक का बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बहुत शानदार तरीके से बैठ गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अब इस क्वेश्चन को आप सभी साथी बताएंगे कि कितने ऐसे साथी हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि 1050 को
एम एन तथा पी में क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में बांटा जाता है, एम तथा एन के हिस्से में क्या अंतर होने वाला है। तीनों के अंतर आपसे नहीं पूछ रहा, सिर्फ और सिर्फ एम और एन के बीच का अंतर वैल्यू आपसे पूछ रहा है। एम और एन के बीच में कितने का डिफरेंस होने वाला है, यह आप कैसे फाइंड आउट कर पाओगे, यह आप कैसे निकालोगे। अमर, अमन, कमलेश, इन तीनों साथियों का आंसर ऑप्शन नंबर 140 आया है। सुपर वीडियो ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपने इसको सॉल्व किया है तो वेरी गुड है। होमवर्क था क्या शायद ये? मुझे तो नहीं याद आ रहा, शायद ये होमवर्क था। गुलशन, डुलर, इन दोनों साथियों ने भी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से और बहुत शानदार तरीके से अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी है? आप कहोगे सर टोटल वैल्यू है हमारे पास 1050। टोटल वैल्यू कितनी है? 1050 है। और टोटल आपका जो रेशियो है वो कितना है? 3:5:7। अगर आप इसको टोटल ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 3+5+7, मतलब आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी 15। और अगर आप इसके साथ एक्स जोड़ दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब जो 1050 है ये किसके बराबर है? आप कहोगे सर 1050 हमारा 15x के बराबर हो रहा है। अगर दोस्तों 1050 15x के बराबर हो रहा है तो जो एक्स होगा वह 1050 डिवाइडेड बाई 15 के बराबर होगा। और जब एक्स की वैल्यू आप निकालोगे तो 15 × 7 = 105, एक्स की वैल्यू आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? आप कहोगे सर एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ से 70 प्राप्त हो जाएगी। बताना यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? एक्स की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी? आप बोलोगे सर एक्स इज इक्वल टू मुझे 70 प्राप्त हो जाएगा। निखिल भैया का भी ऑप्शन ए आ रहा, बहुत बढ़िया। एक्स की वैल्यू मुझे क्या प्राप्त हो गई? एक्स की वैल्यू 70 प्राप्त हो गई। अब फिर से यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन में ध्यान देना, क्या क्या पूछ रहा? कह रहा एम तथा एन के हिस्से में कितने का अंतर है। एम और एन, एम पहले नंबर पर है, एन दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ पर एम और एन के बीच का रेशियो क्या है? एम का रेशियो है 3 और एन का रेशियो है 5। 3 और 5 के बीच में कितने का अंतर है? आप बोलोगे सर 3 और 5 के बीच में 2 वैल्यू का अंतर है। अगर 3 और 5 के बीच में 2 वैल्यू का अंतर है तो आपका टोटल अंतर 2x के बराबर होगा और x की वैल्यू 70 है, इसीलिए 2 में जब आप 70 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 140। 140 कौन से ऑप्शन पर है? तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 140 हमें बिल्कुल करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या दोस्तों? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें क्या? आ जाओ दोस्तों, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपसे पूछता हूं कि जो पी का हिस्सा है, पी का हिस्सा कितना होगा, पी को कितने रुपए मिलने वाले हैं? कौन साथी बताएगा इसका आंसर? कि इस क्वेश्चन में जो पी हमारे पास एक कंपोनेंट के रूप में है या एक पी एक पार्टिसिपेंट के रूप में है, पी को कितने रुपए मिलने वाले हैं? एक बार बताना अगर आप कर सकते हो। पी को कितने रुपए मिलेंगे? 210 आंसर दे रहे भाई अमर चौरसिया। ठीक है जी, सुपर वीडियो लिख रहे हैं सर। दोस्त, मैंने पूछा है कि पी को कितना हिस्सा मिलेगा, तो सबसे पहले पी का हिस्सा देखने के लिए पी का रेशियो देखना कितना है। बोलोगे आप सर पी का रेशियो यहाँ पर 7 है, और पी का रेशियो अगर 7 है तो मतलब ये 7 एक्स के बराबर होगा। एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 70 निकाली थी। जब 7 में 70 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 × 49 ₹490 आपको पी को मिलने वाला है। बिल्कुल सही आंसर, और सबसे पहले आंसर दिया था गुलशन ने। गुलशन बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गुलशन, गेमिंग, अमर, देव, नेहा, सुपर वीडियो, बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं और जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को बहुत तसल्ली से बहुत अच्छे से समझना। इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो ये आपका मिक्सर बोले तो मिश्रण चैप्टर का ये आपका क्वेश्चन है, और यहाँ से कम 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके एग्जाम में बनते हैं, ये भी ध्यान रखना। सुपर वीडियो इसका आंसर दे रहे ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया दोस्तों, तुम तो कमाल कर दे रहे यार, इतना फास्ट कैसे सॉल्व कर ले रहे यार, तुम्हारा दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलने लगा, ऐसे कैसे हो गया भाई? इस क्वेश्चन को ध्यान देना दोस्तों, फिर से मैं रिपीट कर दूं तो इस चैप्टर पर आधारित कम से कम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% आने हैं।
इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे तरीके से तसल्ली से ध्यान से सुन लो, इतना शानदार तरीका आपको नहीं पता चलने वाला है। कह रहा कि एक व्यक्ति किस अनुपात में 11.10 प्रति किलोग्राम वाली दाल को 15.20 प्रति किलोग्राम वाली दाल के साथ मिक्स करे ताकि जो मिक्सचर का कीमत है, जो मिश्रण का कीमत है, वह 13.20 प्राप्त हो। मतलब 11.10 की दाल है एक 15.20 की दाल है, और एक व्यक्ति चाहता है वह इन दोनों को मिक्स करके ऐसा बेचे कि जो उसके मिक्सचर की कीमत होने वाली है वह 15.20 हो जाए, तो वह इस 11.10 वाली दाल और जो 15.20 वाली दाल है इन दोनों को किस अनुपात में वो मिलाए ताकि उसको जो मिक्सचर की वैल्यू प्राप्त हो वो 13.20 प्राप्त हो जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक नए पेज पर लेकर चलता हूं। आपको जितनी वैल्यू दी गई है उन सभी वैल्यू को आप कंसीडर करो और उन सभी वैल्यू को प्यारे दोस्तों यहां पर आप लिखना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले वो कितने रुपए वाली दाल ले रहा है, 11.10 वाली, जो सबसे सस्ती कीमत हो उसको आप कुछ इस तरीके से लिख देना। इसके बाद उसके पास कौन सी कीमत वाली दाल है, उसके बाद सबसे महंगी कीमत वाली दाल जिसको वो मिला रहा है, तो दूसरी वाली दाल क्या कीमत क्या था, 15.20 था। एक दाल की कीमत 11.10 है, दूसरे दाल की कीमत 15.20 है, और दोनों को मिलाने के बाद वह कितने में बेचना चाहता है, तो दोनों को मिलाने के बाद वह 13.20 में बेचना चाहता है। अब पूछ रहा है इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो दोस्तों आपको इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। मतलब 15.20 से आपको 13.20 घटा देने हैं और 13.20 में से आपको 11.10 घटा देने हैं। जब आप 15.20 से 13.20 घटाओगे आपको कितना प्राप्त होगा, आप बोलोगे सर मुझे 2 रुपये प्राप्त हो जाएगा। जब आप 13.20 से उसकी सस्ती वाली दाल मतलब 11.10 आप घटाओगे तब आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, आप बोलोगे सर मुझे 2.10 प्राप्त हो जाएगा। और ध्यान देना दोस्तों जो वैल्यू प्राप्त हुई है उसी के बीच में आपको रेशियो लगा देना है, उसी के बीच में आपको अनुपात लगा देना है, मतलब 2/2.10 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब मैं फिर से आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलता हूँ ताकि हम लोग ऑप्शन मैच कर सकें। हमें क्या मिला है, 2.00 मिले हैं। ऑप्शन में देखना कहीं है क्या, ये किसी ऑप्शन पे आपको ये वैल्यू नजर आ रही है क्या, आप बोलोगे सर ऐसा तो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप इस वैल्यू को, जो वैल्यू यहां पर है, आप यह भी तो लिख सकते हो 2.10 और यहां पर 0.0 कर सकते हो। अगर मैं ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 2.1 में जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 21 प्राप्त हो जाएगा। अब मुझे क्या प्राप्त हो गया, 20/21 प्राप्त हो गया, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, 20/20 लिख सकता हूं, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 20/21, ऑप्शन नंबर डी हमें बिल्कुल शानदार, बिल्कुल अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाएगा। बोलना ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या, नयन मेहता, अमन, गुलशन, देव, गेमिंग, दूलर, निखिल, सुपर वीडियो, बहुत बढ़िया दोस्तों। मैक्सिमम साथियों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था। मुझे आप बताना यह क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या, अगर यह क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो क्या आप इस तरीके का, अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं तो आप सॉल्व कर पाओगे क्या। अगर मैं सेम टू सेम इसी पर आधारित आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं तो मेरे दोस्तों, लर्निंग दे के मेरे प्यारे साथियों, लर्निंग दे के मेरे जाबाज शेरों, क्या आप इसी पर आधारित एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे क्या, आप बोलोगे बिल्कुल सर, बिल्कुल शानदार तरीके से इस पर आधारित आप एक नहीं, 2, 3, 4, 5 जितने क्वेश्चन देंगे हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं देता हूँ इसी पर जस्ट आधारित आपको एक क्वेश्चन, और मैं देखना चाहता हूं कि कौन सा हमारा ऐसा साथी है जो सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। नेहा लिख रही है सर, ठीक है जी। दोस्तों क्वेश्चन है आपके पास, एक दुकानदार है वह 210 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को, 210 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को वह 320 रुपये पर केजी वाली चाय के साथ किस रेशियो में, किस अनुपात में मिक्स करे, किस अनुपात में मिक्स करे ताकि जो मिश्रण होगा, जो मिश्रण की कीमत हो दोस्तों,
मिश्रण की कीमत उसको ₹280 प्रति किलोग्राम चाय की प्राप्त हो जाए। आपको अनुपात बताना है कि किस अनुपात में वह ₹210 प्रति किलोग्राम वाली चाय को ₹320 प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ मिलाए, ताकि जो मिक्सचर प्राप्त हो उस मिक्सचर की जो कीमत हो दोस्तों, उस मिक्सचर की कीमत ₹280 प्रति किलोग्राम हो जाए। 40:70 आंसर दे रहे अमर चौरसिया, बहुत बढ़िया। अब सही है या गलत इसको हम सॉल्व करने के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट अगर करना चाहूं तो मैं कह रहा हूं ₹210 प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ ₹320 प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए, ताकि मिलाने के बाद जो मिक्सचर प्राप्त हो, जो मिश्रण चाय का प्राप्त हो, उसका मूल्य ₹280 प्रति किलोग्राम हो। एक लड़का आंसर इसका 40:70 दे रहा है। अब दोस्तों बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से अगर इस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे, तो अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर ध्यान देना क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सटीक आंसर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको, एक सेकंड दोस्तों, अच्छा चल रहा है, मुझे लगा कि शायद वीडियो रुक गया आपका, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था 210 इस तरफ लिख दो, 320 आप इस तरफ लिख दो, सबसे पहले सबसे सस्ती वाली कीमत, फिर सबसे महंगी वाली कीमत, और फिर बीच में आप लिख दो मिलाने के बाद क्या कीमत प्राप्त हो रही है, और फिर इसके बाद आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, कुछ इस तरीके की स्थिति आपको बना देना है। 320 में से 280 घटाओगे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 40, और 280 में से आप 210 घटाओगे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 70, और बीच में क्या लगा देना है, बीच में आप बोलोगे सर रेशियो लगा देना है, हमें अनुपात ज्ञात करना है। अब मुझे क्या प्राप्त हो गया, 40/70 प्राप्त हो गया। तो क्या मैं 40/70 को और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या, बोलोगे बिल्कुल कर सकता हूँ, 10 से हम काट सकते हैं, मतलब उस दुकानदार को या उस व्यक्ति को 4:7 में उन दोनों चायों को मिक्स करना पड़ेगा। अगर वह 4:7 में उन दोनों चाय को मिक्स करेगा तो उसके जो मिश्रण का कीमत होगी वह ₹280 प्रति किलोग्राम होगी, और वह व्यक्ति फायदे में आ जाएगा, ठीक है जी। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों बनता है, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्यारे साथियों पूछा है। एक क्वेश्चन मैं यहां से आपको होमवर्क देता हूं, और बहुत प्यारा सा, बिल्कुल इसी पर आधारित एक क्वेश्चन मैं आपको देने का प्रयास करता हूं, कि एक दुकानदार को ही मान करके चलते हैं कि एक दुकानदार है, उस दुकानदार ने क्या किया है कि उसके पास भाई एक कितने रुपए की दाल, आपकी बात दाल ले लिया जाए, उसके पास भाई ₹325 प्रति किलोग्राम की दाल है, 325 रुपए प्रति किलोग्राम की दाल है, और वह उसमें कितने रुपए, वह उसमें कितने रुपए प्रति किलोग्राम वाली दाल मिक्स करे, ताकि दाल की जो कीमत है, दाल की कीमत आपकी कितनी हो जाए, ₹400 प्रति किलोग्राम हो जाए, जबकि वह उन दोनों दालों का जो रेशियो रखना चाहता है, उन दोनों दालों का जो अनुपात रखना चाहता है, वह उन दोनों का अनुपात 5:4 रखता है, तो वह कितने रुपए प्रति किलोग्राम वाली दाल इसके साथ हम मिक्स करें। क्वेश्चन बिल्कुल नए तरीके का है। जो भी दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सॉल्व करके भेजेगा, मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई वह बच्चा बहुत शानदार पढ़ाई करता है, और उस बच्चे को मैं बहुत शानदार तरीके से मोटिवेट करने वाला हूं। आपको इस क्वेश्चन का सलूशन हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। फिर से क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं, सुन लो, दिमाग में अगर नहीं बैठा तो बैठा लो। ₹325 प्रति किलोग्राम वाली दाल के साथ कितने रुपए प्रति किलोग्राम वाली दाल को मिक्स किया जाए, ताकि जो मिक्सचर का कीमत हो, जो मिश्रण की कीमत हो, वह ₹400 प्रति किलोग्राम हो जाए, और वह जो मिश्रण, जो अनुपात मिलाता है, वह 5:4 का अनुपात रखता है, तब वह कितने रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय इसके साथ, दाल इसके साथ मिक्स करें, ठीक है जी। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से, और इस क्वेश्चन को शानदार तरीके से सभी के सभी दोस्त, हमारे सभी प्यारे भाई और सभी प्यारे साथी शानदार तरीके से देखेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा, एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च कर देता है। एक व्यक्ति है जो जितना कमाता है उसका 65% खर्च कर दे रहा है।
भाई कमलेश तुम्हारे साथ मुझे कुछ गड़बड़ लग रही, तुम ये बुक लेकर के बैठ गए हो क्या? कमलेश तुम्हारे पास बुक कौन सी है मुझे बताना एक बार जरा, मुझे तो तुम्हारे पर डाउट होने लगा है कि जैसे ही क्वेश्चन आता है वैसे तुम्हारा आंसर आ जा रहा है, इतना तो फास्ट नहीं हो सकता मेरे दोस्त, कुछ तो टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आप जरूर चीटिंग कर रहे हो भाई। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 65% खर्च कर देता है तथा बाकी बचा लेता है। दोस्तों ध्यान देना, अगर 65% खर्च कर देता है तो बचाएगा कितना? आप बोलोगे सर वह 35% बचा लेगा। क्लियर हुआ क्या? अगर कोई व्यक्ति 65% खर्च कर रहा है अपनी आमदनी का तो सीधी सीधी बात है वो 35% बचाएगा। फिर कह रहा है आगे, आगे की कहानी कह रही है यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है, मतलब जो उसकी आय थी उसको 25% उसका मालिक बढ़ा देता है तथा खर्चा भी 20% बढ़ जाता है। 25% उसकी आय बढ़ी और उसका जो खर्चा पहले सिर्फ और सिर्फ 65% था, यह 65% से 20% बढ़ जाता है। ठीक है, फिर कह रहा तो उसकी बचत कितना प्रतिशत परिवर्तित होगी। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान से और बहुत तसल्लीपूर्वक समझना, हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या मानना है कि उस व्यक्ति की आय कितनी है। हमने मान लिया उस व्यक्ति की आय 100 रुपये है। हाँ प्रीवियस ईयर का तो है, ये तो मुझे भी पता है। दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या मान लिया कि उस व्यक्ति की जो आय है उस व्यक्ति की आय कितने रुपये है? 100 रुपये है। अगर व्यक्ति की आय 100 रुपये है तो पहले की स्थिति में वह व्यक्ति खर्च कितना कर रहा है? तो वह व्यक्ति पहले की स्थिति में 65 रुपये खर्च कर रहा है और बचत कितने का कर रहा है? आप बोलोगे सर बचत 35 रुपये का कर रहा था पहले की स्थिति में। अब उसकी आमदनी में क्या हुआ है? दोस्तों उसकी आमदनी में क्या हुआ है? उसकी आमदनी 25% बढ़ गई है, मतलब जो पहले उसकी आय 100 रुपये थी अब उसकी बढ़ी हुई आय कितनी हो जाएगी? 100 का जब आप 25% निकालोगे 25 हो जाएगा और बढ़ रहा है मतलब 100 में 25 आपको ऐड कर देना है, उसकी अब जो नई आय होगी वो कितनी हो जाएगी? 125 रुपये हो जाएगी। फिर आगे क्या कह रहा कि उसका खर्चा कितना बढ़ रहा है? आप बोलोगे सर कह रहा है कि उसका खर्चा 20% बढ़ जा रहा है। पहले वह कितने रुपए खर्च करता था? 65 रुपये। 65 का 20% आप निकाल करके 65 में ऐड कर दो, मतलब सीधे सीधे 65 का 120% निकाल लो। 10 से 10 कैंसिल, 5 × 2 = 10 और 13 × 5 = 65 और 2 से इस आप 12 को कट कर दो, 6 × 13 = 6 आपका हो जाएगा 78। मतलब अब उसका खर्च कितना हो गया बाद वाला? आप कहोगे सर बाद वाला उसका खर्च हो जाएगा 78। तब वह बचाएगा कितना? बाद में आय उसकी 125 रुपये है, बाद में उसकी आय 125 रुपये है, खर्च उसका 178 हो रहा है। तब आपको अगर बचत निकालने की बात की जाएगी तो 125 माइनस आप 78 कर दोगे, आपको उसकी बचत मिल जाएगी कितनी? 47 रुपये। क्लियर हुआ क्या? बचत अब उसकी कितनी हो रही है? मैं ब्लैक कलर से अगर दिखाने का प्रयास करूं तो बचत अब उसकी कितनी हो रही है? 47 रुपये। पहले उसकी बचत कितनी हो रही थी? 35 रुपये। और पूछ रहा उसकी बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है? इसके लिए यहां पर आप ध्यान देना, उसकी पहले की बचत क्या थी? आप कहोगे सर उसकी पहले की बचत 35 रुपये थी और उसकी नई बचत जो हो रही है वह नई बचत हम लोगों ने निकाला है 47 रुपये की हो रही है। अगर अब बचत में परिवर्तन पूछा जाएगा तो जो बचत में परिवर्तन परसेंटेज में अगर हम निकालेंगे तो नई बचत मतलब 47% बटे आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर नई बचत में परिवर्तन कितने का हो रहा? तो 47 - 35 रुपये का परिवर्तन हो रहा है और परसेंटेज किसके साथ निकाला जाएगा? तो परसेंटेज 35 के साथ निकाल करके इनटू का 100 कर दिया जाएगा। इसी को आपको दोस्तों सॉल्व कर लेना है, आपका जो प्रतिशत है वो निकल आएगा। सॉल्व कैसे करोगे? जब आप 47 में से 35 घटाओगे आपको मिल जाएगा 12, 12 × 100 डिवाइडेड बाई 35। जब आप 12 × 100 डिवाइडेड बाई 35 को सॉल्व करोगे तो उसकी बचत में लगभग 34.28% का चेंज आपको देखने को मिलेगा और हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलना ये क्वेश्चन समझ आया क्या? बोलना एक बार क्वेश्चन ये समझ आया क्या दोस्तों? अगर आपको यहां तक का ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो तो एक बार सभी साथी थम्सअप करके बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत शानदार तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
बट इसमें सबसे पहले आपको आय जो माननी होगी, मेरी तरह जैसे मैंने इसमें आय मान लिया कि 100 रुपये पहले उसकी आय थी, बिल्कुल वैसे ही आपको मान के चलना है कि उस व्यक्ति की जो आय थी वह कितने रुपए थी। आप बोलोगे सर उस व्यक्ति की जो पहले की आय थी वह 100 रुपये थी, तब उसी के आधार पर आप इस क्वेश्चन को 1 by 1 अगर स्टेप के रूप में फॉलो करेंगे तब आप इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के पहले दोस्तों आपके साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि दोस्तों अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 की बिल्कुल सीरियस मोड में तैयारी करना चाहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लर्निंग डे के सफल बैच से जुड़ सकते हैं। इस सफल बैच की फीस सिर्फ और सिर्फ 149 रुपये है, जो 129 रुपये का ऑफर था दोस्तों ये ऑफर खत्म हो गया है। जिन बच्चों ने 129 रुपये में इस बैच को खरीदा है आप उनसे, या जिन बच्चों ने इस बैच को खरीदा है आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि इतनी बेहतरीन क्लास चलती है। इस बैच में 2 दिनों तक क्लास ऑफ है, कल परसों क्लास इसमें ऑफ रहेगी, उसके जस्ट बाद फिर से इसमें क्लास कंटिन्यू रूप से स्टार्ट होने वाली है। इस बैच की फीस सिर्फ और सिर्फ 149 रुपये है, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, PDF, नोट्स, डाउट सेशन सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई जा रही हैं। अगर आप इस 149 रुपये के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इन तीनों में से किसी भी एक नंबर पर दोस्तों आप कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको बैच के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और आपको बैच से ऐड कर दिया जाएगा। ऊपर वाला नंबर हर्षित सर का और जो बीच में नंबर है ये आपका ऊपर वाला अबिरल सर का और बीच वाला नंबर आपका हर्षित सर का और जो ये नीचे नंबर है दोस्तों अगर आप मेरे थ्रू इस बैच में ऐड होना चाहते हैं तब आप इस नंबर के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट करके आप बैच में ऐड हो सकते हैं 149 रुपये का पेमेंट करने के बाद। पेमेंट आपको इस ऊपर वाले नंबर पर ही करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना पेमेंट करने के बाद 149, और मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको बैच में ऐड कर दूंगा। सर प्लीज़ 2023 का क्वेश्चन पेपर बता दीजिए ना दोस्त, मैंने उस पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं बट 1 से 2 दिनों के बाद हम लोग फिर से 2023 के पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 6 अप्रैल तक आप ऐसे ही क्लास चलने दो 6 अप्रैल तक। अभी हमारे दिमाग में झारखंड वाले बच्चों को हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके चलना चाहते हैं, इसीलिए हम मिक्स क्वेश्चन ला रहे हैं झारखंड, यूपी, बिहार, हर एक जगह के। 7 तारीख के बाद से सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस यूपी और बिहार के बच्चों का होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सभी साथी ध्यान देना, इस क्वेश्चन को समझना। यह क्वेश्चन आपका एक और प्यारा सा, बेहतरीन सा, खूबसूरत सा क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। कह रहा एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 800 मीटर लंबे पुल को पार करती है। कह रहा है एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और ये एक 800 मीटर लंबे पुल को पार करती है और कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुल को पार करने में कितना समय सेकंड में लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, इस 100 और 80 को जोड़ करके 900 करके 900 में सीधे सीधे 30 से डिवाइड करके इसका आंसर 30 बताने वाले हैं, बट ऐसे में देखना चाहता हूं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस तरीके से इसका आंसर 30 बताने वाले हैं। मुझे यकीन जरूर है कि एक दो बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो इसका आंसर 30 बताने वाले हैं, बट आपको इसका आंसर 30 नहीं बताना है दोस्त। क्यों नहीं बताना है, क्योंकि प्यारे साथियों ध्यान देना है, सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 100 मीटर है और जो पुल है पुल की लंबाई कितनी है 800 मीटर है, तो अगर मैं टोटल लेंथ और टोटल लंबाई की बात करता हूं तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 100 + 800, और जब 100 में आप 800 को ऐड करोगे टोटल लंबाई आपको टोटल लेंथ कितनी मिल जाएगी 900 मीटर मिल जाएगी। ध्यान देना आपको समय पूछ रहा किस में, आप कहोगे सर इसमें समय सेकंड में पूछा जा रहा है और रेलगाड़ी की जो गति है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सबसे पहले इस किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। अगर मैं बात करता हूं कि किसी भी किलोमीटर प्रति घंटा की वैल्यू को अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आप परिवर्तित कैसे करते हो, तो आप कहोगे सर 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर मुझे इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मुझे 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर जब मैं इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तब आप क्या कह सकते हैं, इसको मैंने 10 से कट कर दिया और यहां पर मैंने इसको 3 से कट कर दिया तो 10 × 3 = 30 और यहां पर आपका क्या हो जाएगा 6 × 3 = 18, फिर मैं 2 से कट कर सकता हूं 5 × 2 = 10 और 3 × 2 = 6, मतलब आपको क्या मिल जाएगा 25/3 और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी मीटर सेकंड, मतलब रेलगाड़ी की नई चाल मुझे क्या प्राप्त हो गई, रेलगाड़ी की नई चाल मुझे 25/3 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हो गई। गुलशन इसका आंसर 108 दे रहे हैं, बहुत बढ़िया गुलशन, वेरी गुड।
दोस्तों ध्यान देना, रेलगाड़ी की नई चाल मुझे प्राप्त हो गई है 25/3 मीटर प्रति सेकंड, और जो टोटल लेंथ मुझे प्राप्त हुई है, आप कहोगे सर टोटल लेंथ मुझे 900 मीटर प्राप्त हुई है। अब दोनों वैल्यू के माध्यम से आप समय निकाल सकते हैं, जो समय इज इक्वल टू होता है, मैं ब्लैक कलर से लिखता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, जो समय होता है, समय इज इक्वल टू हो जाता है आपका डिस्टेंस अपान वेलोसिटी, मतलब दूरी अपान चाल, और दूरी टोटल कितनी है 900 और चाल कितनी है 25/3, यह 3 आपका ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 900 × 3 डिवाइडेड बाई 25। जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे दोस्तों, आप इस 25 से इस 900 को कट कर सकते हो, और फिर 900 से 900 कट करने के बाद आप 3 से उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका 25 × 50, 25 × 75 आपको मिल जाएगा 3, 75 जब आपने इसमें से निकाल लिया तो आपको बचेगा 15, और यहाँ पर हो जाएगा 150, तो 25 × 6 आपका हो जाएगा 150, 36 × 3 जब आप 36 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा 108, और इसकी यूनिट क्या होगी सेकंड, हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आप बोलोगे सर हमारा आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 108 सेकंड। अमर चौरसिया गुलशन, इन दोनों साथियों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है और बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। इस क्वेश्चन का जो हमारे करेक्ट आंसर होने वाला है वह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 108 सेकंड। 36 × 3 बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और मैं चाहता हूं प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क के रूप में रखा जाए, ताकि आप इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में सॉल्व करके इस क्वेश्चन का सलूशन हमें ज़रूर बताएं। आज की क्लास का यह आपका होमवर्क नंबर 2 हो जाएगा। होमवर्क नंबर 1 मैंने आपको बाई पेन लिख करके दिया था, और ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क नंबर 2 हो जाएगा। देव यादव भी इसका आंसर 108 दे रहे थे इसके पहले वाले क्वेश्चन का, बहुत बढ़िया देव, वेरी गुड। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका होमवर्क नंबर 2 हो गया। मैंने आपको दोस्तों दो होमवर्क दे दिए हैं। अब जो भी साथी मेरे से मुझे इस क्वेश्चन का सलूशन भेजना चाहते हैं वो इस नंबर पर भेज सकते हैं। अगर आपका सलूशन आएगा तो नेक्स्ट क्लास में आपका नेम अनाउंस किया जाएगा कि हाँ भाई आपने इस क्वेश्चन का सलूशन हमें शेयर किया था। होमवर्क नंबर 2 हो गया। हर एक क्लास में दोस्तों हमारा सिक्वेंस यही होता है कि हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर हम उसके कुछ होमवर्क को देखते हैं, और फिर इसी तरीके से हम बेहतरीन तरीके से क्लास को अपने आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों इस होमवर्क नंबर 2 के साथ अब मैं आपको, जो एक दिन मैंने लाइव टेस्ट लिया था तो वहाँ के कुछ क्वेश्चन, जो 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों को जिसमें डाउट था, उस क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलना चाहूँगा, और उस क्वेश्चन को मैं दिखा करके 1-2 क्वेश्चन के बाद आज की इस क्लास को दोस्तों हम लोग एंड करेंगे। मैं बिल्कुल भेजूँगा। एक ही भाई आपका तो आंसर डेली ही आता है, और दोस्तों अब वक्त आ गया है उस क्वेश्चन का जिस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डाउट था, और दोस्तों वो क्वेश्चन गया आपका कहाँ गया। अच्छा, इस क्लास के बारे में फिर से मैं बता दूं, जो साथी अभी लेट जुड़ रहे हैं वो सभी साथी ध्यान देंगे, पॉलिटेक्निक 2024 के लिए फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ के लिए झारखंड वाले बच्चों के लिए स्पेशल ये क्लास होने वाली है, जिसमें रिवीजन प्लस कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ यूपी और बिहार वाले बच्चे भी जुड़ेंगे। यह क्लास आपकी 6 घंटे की महामैराथन चलने वाली है, लाइव होगी, और कितने बजे से होगी, 3:30 से आपकी यह क्लास लाइव चलने वाली है। सर किस दिन ये क्लास चलने वाली है, तो भैया आपको मैंने बताया है कि 6 अप्रैल को आपको इस क्लास में जुड़ना है, 3:30 पर आपको इस क्लास में जुड़ जाना है। पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, और फिर आपको मैथ की क्लासेस में देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, बहुत मज़ेदार क्लास होने वाली है। इस तरीके की अगर आप क्लास हमारे साथ ज्वाइन करोगे तो आपको मज़ा आएगा, और आपकी तैयारी आप देखना कितने बेहतरीन तरीके से कंप्लीट होने वाली है। दोस्तों वो क्वेश्चन, जस्ट वेट प्यारे साथियों। अच्छा, आज आपके साथ मैं PDF शेयर करने वाला हूँ। जो भी साथी हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं ज्वाइन है वो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इस 50 क्वेश्चन की PDF मैं आज शेयर कर दूंगा, आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इसमें जिस भी क्वेश्चन पर आपको दोस्तों डाउट रहेगा, उस क्वेश्चन को आप मेरे साथ डिस्कस कर लेना, मेरे साथ पूछ लेना। जिस डाउट फुल क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, जिसके बारे में बच्चों के कमेंट आए थे, तो दोस्तों वो रहा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि TP और TQ केंद्र O से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, तथा कोण POQ की वैल्यू 110 डिग्री है, तब आपको कोण PTQ की वैल्यू
बतानी थी, इस वैल्यू को आपको बताना था, इस एंगल की वैल्यू को आपको बताना था। मैंने इस क्वेश्चन को दो तरीके से करके बताया था, फिर भी बच्चों को इसमें डाउट रह गया था। मेरे पास कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप किया था कि सर इस क्वेश्चन को फिर से बता देना, तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में फिर से एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अगर अब आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में देकर के बताएं कि सर इस क्वेश्चन को हम इस माध्यम से या इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आ जाइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं हम। 70 आंसर अमन और अमर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। दोस्तों ध्यान देना प्यारे साथियों, कहीं पर भी अगर वृत्त है और उस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है तो जो केंद्र होगा, केंद्र से जो त्रिज्या खींची जाएगी उस स्पर्श रेखा पर, वह त्रिज्या उस स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर होती है, वह त्रिज्या उस स्पर्श रेखा पर लंब होती है। सबसे पहली स्थिति, पीटी एक स्पर्श रेखा है, ओपी त्रिज्या है, तो जो ओपी लाइन होगी वो पीटी पर परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी, मतलब एंगल 90 डिग्री होगा और यहाँ भी 90 डिग्री होगा, दोनों डिग्री की वैल्यू 90-90 हो जाएगी। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ओ क्यू टी पी आपका क्या बन रहा है, आपका यह एक, आपका दोस्तों यह एक चतुर्भुज बन रहा है। अब किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश हो जाएगा। तो दो तीन कोण आपको दे दिए गए हैं, आपको कौन कौन सा है, आपको कोण बी, कोण पी की वैल्यू 90 डिग्री, कोण क्यू की वैल्यू 90 डिग्री और कोण ओ की वैल्यू आपको 110 दिया गया है, प्लस कोण टी की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। और यह किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। जब आप इसको ऐड कर लोगे तो 90 और 90 180 में जब आप 110 जोड़ोगे तो 190 में जब आप 100 जोड़ दोगे तो 290 प्लस कोण टी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 360 मिल जाएगा। पवन साहू इसका आंसर 70 दे रहे, निखिल इसका आंसर 70 दे रहे, बहुत बढ़िया 70 वाले दोस्तों, वेल डन। अब टी इज इक्वल टू जब आप निकालने जाओगे तो 360 माइनस कितना हो जाएगा, 290। अब जब 360 में से आप 90 घटाओगे आपको क्या मिल जाएगा, 70 मिल जाएगा। सीधे सीधे आप 70 पे टिक कर सकते हो। ये तो रहा तरीका नंबर एक। अब इसका बिल्कुल शॉर्टकट समझना, और शॉर्टकट ये है दोस्तों, अगर किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर उनकी त्रिज्याएं खींची गई हैं तो जो दोनों कोण होंगे, मतलब कोण ओ और कोण टी, इन दोनों का जो योग होगा वह 180 अंश के बराबर होगा। कोण ए की वैल्यू 110 है तो कोण टी की वैल्यू दोस्तों कितनी रखें कि 180 हो जाए, तो कोण टी इज इक्वल टू अगर हम 70 रख देंगे तब हमें 180 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और हमारा जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और था जो जिसपे मैंने आपसे पूछा था कि उस पर मूल वाला क्वेश्चन जो था, मैं एक सेकंड दोस्तों उस क्वेश्चन को मुझे देखना पड़ेगा, वह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उस मूल वाले क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवा देता हूँ, फिर उसके बाद आज की इस क्लास को दोस्तों हम लोग एंड करने वाले हैं। इतने ज़्यादा क्वेश्चन इस पीडीएफ में हो गए हैं कि कन्फ्यूजन हो रही। चलो इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, ये क्वेश्चन तो शायद हो गया था। शिवा द्विवेदी ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक सेकंड दोस्तों, मैं उस मूल वाले क्वेश्चन को एक बार देखता हूं कि कहां पर गया भाई, वो कहां पर गायब हो गया है उस मूल वाले क्वेश्चन के बारे में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 था। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 28 कहां गया भाई, आजा भाई क्वेश्चन नंबर 28, तुम्हारा सब इंतजार कर रहे हैं, तुम गायब हो गए हो यार। ये रहा दोस्तों, बहुत इंतजार के बाद ये क्वेश्चन नंबर 28 मिला है। दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में भी बहुत सारे बच्चों को डाउट था, क्वेश्चन फिर से ध्यान से अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तब आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू ज्ञात करनी थी। समीकरण एक द्विघात समीकरण है, मूल अल्फा और बीटा है, आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या पता होना चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है, अल्फा बीटा हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर ध्यान देना, जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है उसको और ज़्यादा मैं अगर सूत्र में तोड़ दूंगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, और फिर माइनस में अल्फा बीटा है तो माइनस में ऑलरेडी अल्फा बीटा मैं लिख दूंगा। अब मुझे बताना कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, कोई समस्या है क्या यहाँ तक, ये कहाँ से आ गया,
अगर इस पे आपको डाउट है तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा हो जाएगा, और फिर ऑलरेडी मैंने माइनस अल्फा बीटा कर रखा है, इस अल्फा बीटा से ये अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच जाएगा, और इसी के प्लेस पर मैंने ये ब्रैकेट वाली वैल्यू रखी है। मतलब अब पूरी कहानी को मैं मिटा करके यहाँ पर माइनस टू अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा को अगर ऐड कर दूंगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, माइनस का थ्री अल्फा बीटा हो जाएगा। मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का जो नया सूत्र मुझे प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का थ्री अल्फा बीटा। क्लियर हुआ क्या? अब आपको जो द्विघात समीकरण दिया गया है वहां से आप मूलों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं और आप मूलों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर जो अल्फा प्लस बीटा है वही आपका मूलों का योगफल है और जो आपको अल्फा अल्फा इंटू बीटा है वही आपका मूलों का गुणनफल है। अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा या नहीं हो जाएगा एक बार आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो पाएगा या क्वेश्चन अब ये मेरे से अभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। भैया अगर अब आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो समझ लेना कतई आप मेरी बेइज्जती करवा रहे हो। इस समीकरण को मैं नई लाइन से रेड पेन से लिखता हूँ। जो लास्ट में मैंने निकाल रखा है क्या हुआ था, यहाँ पर मुझे प्राप्त हुआ था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू ब्रेकेट में अल्फा प्लस बीटा और दूसरे ब्रेकेट में मुझे क्या प्राप्त हुआ था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का थ्री अल्फा बीटा, और फिर ये ब्रेकेट मैंने कर दिया बंद। इजी है, बिल्कुल हो जाएगा। बहुत बढ़िया नेहा, अमर, देव, निखिल, बहुत बढ़िया दोस्तों। ये सभी साथी लिख रहे कि सर बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। दोस्तों अगर इस समीकरण से आप मूलों का योगफल ज्ञात करेंगे तो मूलों का योगफल इज इक्वल टू आपका हो जाता है माइनस बी अपान ए, और माइनस बी की वैल्यू है आपकी फोर, बी की वैल्यू है माइनस फोर, तब आपका हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, और ए की वैल्यू आपका वन है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको फोर मिल जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है आपका सी अपान ए, सी की वैल्यू वन है, वन अपान वन करने पर आपको वन ही प्राप्त हो जाएगा। अभिषेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं, अभिषेक बहुत स्वागत है भाई, काफी दिनों के बाद जुड़े आज। शिवा द्विवेदी लिख रहे हो जाएगा, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, बहुत बढ़िया दोस्त। अब दोस्तों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चार है, चार रख दो, और फिर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कह रहा, मतलब चार का स्क्वायर सोलह हो जाएगा, माइनस थ्री इंटू अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पर तीन हो जाएगा, चार गुड़े सोलह में से तीन घटाओगे आप तेरह, और तेरह चौको कितना हो जाएगा, तेरह चौको कितना हो जाएगा, सीधे सीधे वही आपका आंसर हो जाएगा और बिल्कुल आसान आपका क्वेश्चन हो जाएगा। माइनस बी अपान ए, कहीं पर भी अगर द्विघात समीकरण आपको दिया गया है तो उस द्विघात समीकरण का दोस्तों जो आपको योग होता है, मूलों का योगफल, वह आपका हो जाता है माइनस बी अपान ए, और जो मूलों का गुणनफल होता है वह आपका हो जाता है बी अपान ए, और अगर यहाँ पर तेरह गुणे चार की बात की जाए तो तेरह चौको आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, बावन, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भैया रीचेक का फॉर्म डाल दूं, ईडी में पांच नंबर कम है, बिल्कुल डाल दो दोस्त, बिल्कुल डाल दो, शानदार तरीके से डाल दो। कुछ दिन और सौरभ सर भी अच्छे से लैपटॉप में क्लास लेंगे, कुछ दिन और ऐसे बच्चों का प्यार मिलता रहे तो हम जल्दी ही स्मार्ट बोर्ड पर भी शिफ्ट होंगे। बिल्कुल अविरल सर, बिल्कुल अविरल सर, वैसे अविरल सर बताऊं मैं ना तो अभी भी क्लास अच्छी ही चल रही है बच्चों के दृष्टिकोण से, है ना, बट बच्चों का आपने बिल्कुल सही लिखा है कि बच्चों का प्यार मिलता रहा तो हम आप भी स्मार्ट बोर्ड पर बच्चों के लिए और इन अपने प्यारे परिवार के छोटे भाई और छोटे बहनों के लिए हर एक काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आंसर आ रहा देव, शिवा, निखिल, अमर, अमन, बहुत बढ़िया 52। सर मैं हाई स्कूल करके पॉलिटेक्निक करना चाहता हूँ, सही रहेगा, सही रहेगा दोस्त, बट मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि पहले आप हाई स्कूल के टाइम पे एक बार एंट्रेंस एग्जाम दे लो, फिर आप दोस्त इंटर करके फिर आप पॉलिटेक्निक में कूद जाना, आपको बढ़िया रिस्पॉन्ड मिलेगा, ठीक है जी। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, चलो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप ले लो, होमवर्क नंबर थ्री हो गया आपके लिए यह क्वेश्चन। मैंने आज की इस क्लास में प्यारे साथियों आपको तीन होमवर्क दिए हैं, आपके लिए इस होमवर्क का सलूशन इस नंबर पर शेयर कर देना है। तीन के तीनों होमवर्क जिन साथियों के आएंगे उन साथियों का नाम कल की क्लास में अनाउंस किया जाएगा। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके सभी साथी जरूर बताएंगे, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, यह क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत बढ़िया है, सभी के सभी साथी इस क्वेश्चन का सलूशन मुझे भेजेंगे, और मैंने बैच के बारे में ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है, 6 अप्रैल के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए और मजा आने वाला है आपको हर एक क्लास में।
दोस्तों आपका अगर इसका स्क्रीनशॉट हो जाए तो एक बार थम्सअप कर देना, फिर मैं बैच वाली स्लाइड लगा करके आपके डाउट ले लूंगा और अब से क्लास की फीडबैक लेकर के इस क्लास को हम लोग एंड करने वाले हैं। क्लास का टाइम आपका एंड करने का हो चुका है। एक बार इसका आपका स्क्रीनशॉट हो जाए तो थम्सअप कर देना प्यारे साथी, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलो जी, बहुत बढ़िया, वेल डन मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल सर, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। बिल्कुल भाई अमर, ऐसे ही प्यारे दोस्तों का, ऐसे ही प्यारे हमारे भाइयों का साथ मिलता रहा तो ज़रूर हम एक दिन हम आप और मिल करके एक बड़े मुकाम पर होंगे। शिवा द्विवेदी लिख रहे हैं, सर यूपी पॉलिटेक्निक में माइनस मार्किंग है? नहीं है दोस्त, यूपी पॉलिटेक्निक से माइनस मार्किंग हट गया है। चलो जी, थम सब हो गया है, मतलब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया गया है। मैं दो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूं, फिर इस क्लास को हम लोग एंड करते हैं। 6 अप्रैल की इस क्लास में सभी साथियों को जुड़ना है। शाम को 3:30 बजे से 6 घंटे की महामैराथन होने वाली है और आप यकीन मानिए इस क्लास के लिए अभी से ही तैयारी हो गई है बहुत शानदार तरीके से, है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया दोस्तों। और जो भी साथी लर्निंग डे के साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं, उन सभी साथियों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि बैच सिर्फ और सिर्फ आपको 149 रुपये में प्राप्त हो रहा है। इतना सस्ता, इतना अच्छा, इतना बेहतरीन बैच और किसी चैनल पर कभी भी आपको अवेलेबल नहीं करवाया जा सकता है। यह सिर्फ और सिर्फ लर्निंग डे पर इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि लर्निंग डे आपको अपने घर का मानता है, आपको अपना छोटा भाई अपनी छोटी बहन मानता है और आपको अपने परिवार का मेंबर होने के नाते हम आपको ये शानदार बैच अवेलेबल करवा रहे हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तीनों में से किसी भी नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, आपको बैच की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और दोस्तों अब आप बताएंगे क्लास कैसी लगी, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड आपका मैं और चाहूँगा और क्लास की फीडबैक के साथ दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग एंड करने वाले हैं। सर मैं आपके साथ बिल्कुल रहूँगा। भाई अमन भाई बहुत बढ़िया यार, थैंक यू प्यारे भाई। अमन लगभग 4 से 5 दिनों से क्लास में जुड़ रहा है, बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत मेहनत करने वाला लड़का है ना। ये सारे साथी हमारे जैसे अमन, देव, अमर, ये ऐसे शिवा, ये ऐसे साथी हैं जो रेगुलरिटी से क्लास में जुड़ते हैं और बहुत शानदार तरीके से जुड़ते हैं। दोस्तों क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। हम इस क्लास को एंड करने वाले हैं, उसके पहले सर टेलीग्राम पर मिल जाएगा क्या? क्या टेलीग्राम पर मिल जाएगा? अच्छा बैच, हाँ बैच आपको अगर ज्वाइन करना है तो आपके पास टेलीग्राम होना चाहिए, ठीक है जी। चलो जी, बहुत बढ़िया दोस्तों प्यारे साथियों, सर क्लास अच्छी लगी, थैंक यू भाई शिवा, थैंक यू अमन, थैंक यू देव, थैंक यू अमर, सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर मेरे प्यारे दोस्तों, कल फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी शाम को 7 बजे। 6 तारीख की तैयारी में आप भी जुड़े रहिए। 6 घंटे की क्लास अगर आपको देखना है तो आपको डेटा तो अपना बचा कर रखना ही होगा और मज़ेदार तरीके से हम लोग उस दिन क्लास करने वाले हैं। 6 घंटे की क्लास अगर आप शानदार तरीके से कर लोगे दोस्तों तो आपकी पूरी के पूरे मैथ का रिवीजन हो जाने वाला है। चलिए प्यारे साथियों, नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद एंड लव यू प्यारे दोस्तों। कम से कम 1 से 2 दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करना। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। आप मेरे से पर्सनल इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सभी प्यारे साथियों को, जय हिंद, राम राम, टेक केयर।